अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा इसे लेकर अभी सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले पद के लिए एक उम्मीदवार तो बिल्कुल साफ है, वह रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन दूसरी तरफ से उनके सामने कौन होगा इसको लेकर अभी थोड़ा सस्पेंस बाकी है। आपको बता दें, रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप 2016 से 2020 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 2020 के पिछले चुनाव में वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इन चुनावों में उन्हें कौन चुनौती देगा ये सवाल अब बड़ा हो गया है, क्योंकि जो बाइडन ने अपनी दावेदारी हटा ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के राष्ट्रपति पद की दौड़ से पीछे हटने के बाद ये सवाल अमेरिका में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना है। जो बाइडन ने अपनी उम्र और स्वास्थ्य को लेकर उठ रहे सवालों के बीच काफी टालमटोल के बाद कल आखिरकार राष्ट्रपति पद की रेस से पीछे हटने का ऐलान कर दिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की उम्मीदवारी को अपना समर्थन देने का ऐलान भी किया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाने पर राजी हो जाएगी, और अगर डेमोक्रेटिक पार्टी ने यह फैसला कर लिया तो क्या अमेरिका की जनता किसी महिला को राष्ट्रपति चुनेगी, और वो भी जो भारतीय अमेरिकी और अफ्रीकी अमेरिकी हो। दुनिया का सबसे ताकतवर माना जाने वाला देश, जो खुद को सबसे पुराना लोकतंत्र बताता है और सबसे आधुनिक देश भी, वो आज तक किसी महिला को राष्ट्रपति नहीं चुन पाया है। ये अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास है। ऐसा तब है जब दुनिया के तमाम देशों, जिनमें कई तो विकास के तमाम पैमानों पर काफ़ी पीछे भी रहे, उन्होंने अपने प्रमुख के तौर पर महिलाओं को चुना है। अपने आसपास देखें तो खुद भारत, फिर पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, ये सभी वो देश हैं जहां कभी ना कभी कोई महिला देश के सबसे प्रमुख पद पर रही है, राष्ट्रपति रही या फिर प्रधानमंत्री रही। यही नहीं, यूरोप के तमाम देशों में महिलाएं प्रमुख पदों पर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री महिला बनी है, तो अमेरिका ऐसा देश क्यों नहीं हो पाया है? विकास के मामले में खुद को बाकी दुनिया से आगे बताने वाले अमेरिका में क्या वो सोच विकसित नहीं हो पाई जहां किसी महिला को देश का सबसे प्रमुख पद सौंपा जा सके? ये एक बड़ा सवाल है। अमेरिका की राष्ट्रपति कोई महिला क्यों नहीं हुई और क्यों नहीं हो सकती, इस पर करेंगे विस्तार से बात, लेकिन पहले चर्चा करते हैं इस बात पर कि कमला हैरिस की उम्मीदवारी कितनी मजबूत या कितनी कमजोर इस वक्त दिखाई देती है। कमला हैरिस अमेरिका के लिए कोई नया नाम नहीं है, उनका बायोडाटा बहुत मजबूत दिखाई देता है। पहले ही कई रिकॉर्ड वो अपने नाम कर चुकी हैं। वो सैन फ्रांसिस्को की पहली महिला डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रही, वो कैलिफोर्निया की पहली महिला अटॉर्नी जनरल रही, वो दूसरी ब्लैक महिला रही जो अमेरिकी सीनेट के लिए चुनी गई थी, वो अमेरिका की पहली महिला, पहली ब्लैक और एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी रही, और अब अमेरिका के इतिहास के एक बहुत ही खास मोड़ पर राष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए भी वो तैयार दिखाई दे रही हैं। जो बाइडन के समर्थन से कमला हैरिस की उम्मीदवारी की संभावना को काफ़ी बल मिल चुका है। बाइडन ने कहा कि 4 साल पहले कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति बनाने का जो उनका फैसला था, वो आज तक का उनका सबसे अच्छा फैसला रहा। कमला हैरिस ने भी कहा कि बाइडन के समर्थन से वो गौरवान्वित हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने की वो पूरी कोशिश करेंगी। माना जा रहा है कि बाइडन के समर्थन देने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी में उनके रास्ते की काफ़ी बाधाएं हट गई हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए पहली इंडियन अमेरिकन, अफ्रीकी अमेरिकन महिला की उम्मीदवारी को नज़रअंदाज करना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। ऊपर से अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बमुश्किल अब 100 दिन का ही वक्त बचा है, और डेमोक्रेटिक पार्टी में जो बाइडन के बाद कमला हैरिस ही सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरी हैं। उम्मीदवारी मिली तो कमला हैरिस को चुनाव अभियान के लिए हासिल किए गए $10 करोड़ के फंड के इस्तेमाल का अधिकार तुरंत हासिल हो जाएगा, और अगर कोई नया उम्मीदवार लाता है डेमोक्रेटिक पार्टी तो उसके लिए तुरंत इस्तेमाल करना इस फंड के लिए उतना आसान नहीं होगा। इस बीच कमला हैरिस के लिए एक अच्छी बात और भी हुई है, वो ये कि चुनाव अभियान की जो फंडिंग रुक सी गई थी डेमोक्रेट्स के लिए, वो बाइडन के रेस से हटते ही फिर बीते 24 घंटों में बहुत तेज हो गई है। माना जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर हैरिस ने चुनाव के लिए इतना पैसा जुटा लिया जितना अमेरिका के इतिहास में कोई और नहीं जुटा पाया था। इसका अर्थ यह है कि काफ़ी लोग कमला हैरिस को राष्ट्रपति के तौर पर देखना चाहते हैं।
वैसे आपको बता दें कि 2020 में भी कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी और उनकी शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई, लेकिन फिर कुछ खराब इंटरव्यू, अभियान का खराब प्रबंधन और अमेरिका को लेकर एक साफ दृष्टिकोण न पेश कर पाने से वो इस रेस में पिछड़ गई। हालांकि बाद में जो बाइडेन ने उन्हें अपने साथ उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना लिया था। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को तय करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन अगस्त में शिकागो में होना है, 19, 20 और 21 अगस्त को। वहीं ये साफ होगा कि हैरिस डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देने के लिए उतर पाएंगी या फिर नहीं उतर पाएंगी। वैसे उनके लिए एक अच्छी शुरुआत ये रही कि कई दिग्गजों ने उनके नाम का समर्थन कर दिया है। जो बाइडेन के पीछे हटते ही पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी और डेमोक्रेटिक पार्टी से पूर्व में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रहीं हिलरी क्लिंटन कमला हैरिस के समर्थन में आ गए हैं। दो राज्यों मिशिगन की गवर्नर ग्रेचन विटमर और कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने हैरिस के खिलाफ खड़े होने से इनकार कर दिया है और 100 अन्य चुने हुए डेमोक्रेट्स के साथ हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन कर दिया है। पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो भी उनके समर्थन में आ गए हैं। अमेरिकी सांसद रो खन्ना और जिम क्लाइबर्न ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन कर दिया है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी की कुछ खास हस्तियों ने अब भी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा सबसे खास हैं। बराक ओबामा सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी आज की तारीख में डेमोक्रेटिक पार्टी में माने जाते हैं। अमेरिका की पूर्व स्पीकर नैंसी पेलोसी ने भी अभी हैरिस पर अपना समर्थन नहीं दिया है और सीनेट में बहुमत के नेता चक शुमर ने भी अभी तक कमला हैरिस के नाम का समर्थन नहीं किया है। बाइडेन की उम्मीदवारी से पीछे हटने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी को अपना अभियान नए सिरे से तैयार करना होगा। समय बहुत कम बचा है, लेकिन अगर हैरिस के नाम पर एक राय नहीं बनी तो डेमोक्रेटिक पार्टी में दावेदारों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है और पर्दे के पीछे डेमोक्रेट्स के बीच काफ़ी खींचतान भी दिख सकती है। कमला हैरिस को लेकर जब चर्चा चली पड़ी है तो उनकी लोकप्रियता को भी आंकने की कोशिश की जा रही है। पब्लिक ओपिनियन दिखा रहे हैं कि हैरिस की अप्रूवल रेटिंग्स उतनी ही कम है जितनी बाइडेन की रही ट्रंप के सामने। डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में अभी तक उनका प्रदर्शन बाइडेन जैसा ही कहा जा सकता है। पेंसिल्वेनिया में अपने ऊपर हुए हमले में बाल बाल बचने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कमला हैरिस 59 साल की हैं और ट्रंप उनसे करीब 20 साल बड़े यानी 78 साल के हैं। ऐसे में जो आरोप ट्रंप अब तक बाइडेन की उम्र को लेकर उन पर लगाते थे वो अब कमला हैरिस ट्रंप पर लगा सकती हैं। अगर हैरिस उम्मीदवार बनी तो वो ट्रंप की उम्र और उनके कई बयानों में तारतम्यता न होने के आरोप लगा सकती हैं और ये कह सकती हैं कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लायक नहीं हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के तौर पर कमला हैरिस के रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है जो मिला जुला दिखाई देता है। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर माइग्रेशन क्राइसिस को हल करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी और माना जा रहा है कि इसे बहुत ही बड़ी चुनौती को हल करने में वो बहुत कामयाब नहीं रही। हालांकि अबॉर्शन राइट्स यानी गर्भपात के अधिकार के मुद्दे पर उनके काम की सराहना की गई है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को भी अब अपना अभियान नए सिरे से तैयार करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक पूरा अभियान बाइडेन विरोध पर ही केंद्रित रहा था। अमेरिका की सियासत में इस उथल पुथल पर और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ अमेरिका में बाइडेन समर्थक अजय सिंह भुटोरिया और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत जो ORF में वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल भुटोरिया जी मेरा आप ही से है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। पहला सवाल यही, कितने अच्छी चांसेस हैं कमला हैरिस को प्रेसिडेंसी मिल जाएगी, नॉमिनेशन उनका डेमोक्रेट्स एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या चांसेस दिखाई देते हैं आज की डेट में जब हम करीब एक महीना पीछे हैं कन्वेंशन से? ये मुझसे है क्या सवाल? जी जी अजय जी आप ही से। बिल्कुल, कमला हैरिस को प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और नॉमिनेशन दिया और जैसा कि सुमित जी आपने कहा कि ऑलमोस्ट 40 सेनेटर और मोस्ट ऑफ द कांग्रेसमैन ने अभी अपना सपोर्ट
कमला हैरिस को दिया है कि उनकी प्रेसिडेंसी के लिए, तो अब मुझे कोई लगता नहीं है कि नॉमिनेशन के प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आएगी कन्वेंशन में। आई एम ऑन द रूल्स कमिटी, जो रूल्स कमिटी कल परसों एक कन्वेंशन की जो नई रूल्स होती है वो सब अनाउंस करेगी, और कन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। और जैसा आपने कहा, जो हमारा ऑलमोस्ट जो फंड है $250 मिलियन का फंड रेजिंग से इकट्ठा हुआ, वो भी कमला हैरिस को ही मिलेगा, और प्लस पिछले जब जब से अनाउंस हुआ है तब से पिछले 40 घंटों में ऑलमोस्ट 60 से 65 मिलियन कमला हैरिस के नाम पे, यू नो, वन ऑफ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फंड रेजिंग हुआ है। तो पीपल आर एक्साइटेड, लोग एक्साइटेड है कमला हैरिस की प्रेसिडेंसी को लेके। प्रेसिडेंट बाइडेन ने 3.5 साल में बहुत महत्वपूर्ण काम किया और बहुत अच्छा काम किया, और वो एक हिस्टोरिक प्रेसिडेंट रहेंगे। उनकी हेल्थ की वजह से उन्होंने अपने आप को अपना नाम वापस लिया है, लेकिन लोगों में बहुत उत्साह है कमला हैरिस को लेके, चाहे युवक हो। कल मैं अपने यूथ बेटे से बात कर रहा, राज और यश से, वो कह रहे थे कि जो यूथ है वो बहुत एक्साइटेड है। तो यूथ वोट जो है, पिछली बार 2020 में प्रेसिडेंट बाइडेन को और कमला हैरिस को जिताया था, इस बार भी यूथ वोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह बाकी बैटल ग्राउंड स्टेट्स में भी अगर आप देखें, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, सब जगह, तो एक बहुत एक्साइटमेंट है। जो डिफरेंस जो कह रहे हैं कि कमला हैरिस और प्रेसिडेंट ट्रंप के भीतर जो डिफरेंस है वोटिंग का, वो अब नए पोल्स आएंगे और उसमें नया जो उभर के आएगा, जो जैसे आपने कहा था सुमित जी, इतने दिन जो सब सब लगे हुए थे कि बाइडेन की एज का इश्यू है, एज का इश्यू है, तो अब 78 इयर्स ओल्ड जो ट्रंप है, और जो अपनी कभी कभी मेमोरी गैफ करते हैं, बोलते हैं, उनके और कमला हैरिस के बीच का जो डिफरेंस है वो नजर आएगा लोगों को। प्लस जो ट्रंप का जो जो प्रेसिडेंसी है, वो जो कहते हैं पहले दिन से वो डिक्टेटर बनेंगे, वो वुमेन्स का अबॉर्शन बैन करेंगे, वो और क्या बोलते हैं कि वो कहते हैं कि मुस्लिम बैन करेंगे, काफी चीजें हैं जो लोगों को अब समझ में आएगी कि इतने दिन जो बाइडेन के एज को लेके लोग जो कंसर्न थे वो सारा फैक्टर हट गया। दे हैव अ यंग प्रेसिडेंट, दे हैव अ वेरी फ्यूचरिस्टिक प्रेसिडेंट इन कमला हैरिस। अजय जी, आऊंगा आपके पास मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हर्ष पंत साहब से लेना चाहता हूँ। हर्ष जी, अब इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं मैं यहाँ दिल्ली में बैठ के, दो चीज़ें। पहली बात तो ये कि कमला हैरिस एक लेडी, महिला, जो आज तक अमेरिका में कभी कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी, उस माइलस्टोन को अचीव करने का एक कराने का अमेरिकन वोटर के पास एक ताकत होगी आज से 100 दिन के बाद, 150 दिन के बाद। दूसरी चीज़ जो इससे जुड़ी हुई है, क्या लग रहा है कि कमला हैरिस आज की तारीख में, जब डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन में काफ़ी आगे दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली आफ्टर जो उन पर अटैक हुआ, जो उन पर गोली चली, क्या उस फाइट को फाइट दे पाएंगी, इस कॉन्टेस्ट में दिखाई दे पाएंगी कमला हैरिस? देखिए, दो जो आपने प्रश्न किए वो दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण है। पहला तो ये बड़ी विडम्बना है कि अमेरिका, जो काफ़ी लोगों को, बाकी देशों को ज्ञान देता है डेमोक्रेसी के बारे में, उसमें अपनी ही जो विसंगतियां हैं, जो चाहे वो सोशल हो या पॉलिटिकल हो, उसको देखें अगर आप, तो उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें रही जो काफ़ी देर बाद हमको नजर आई कि उनको काउंटर करने की कोशिश करी गई। जब बराक ओबामा बने, तो बराक ओबामा जब पहले राष्ट्रपति बने अफ्रीकन अमेरिकन, तो उसमें जो इंथुजियाज्म था डेमोक्रेटिक पार्टी में और जो देश में, वो नजर आया कि पहली बार वो एक ग्लास सीलिंग ब्रेक हो रही थी। उसके बाद हिलरी क्लिंटन आई, जब वो एक, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया एक तरह से ग्लास सीलिंग को तोड़ने में, लेकिन वो वहां तक पहुंच के रुक गई और वहां पर जाकर उनको नॉमिनेशन मिला, डेमोक्रेटिक पार्टी कैंडिडेट बनी, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन पाए। तो वो एक जो ग्लास सीलिंग थी वो अभी भी तोड़नी बाकी है। और फीमेल प्रेसिडेंसी, जिसका भी जिक्र हो रहा था, कि इससे काफी एक गैल्वनाइजेशन जो बहुत हुआ है, मोबिलाइजेशन, एक एनर्जी जरूर डेमोक्रेटिक पार्टी को मिलेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो एक तरह से डिस्पोंडेंट थे जिस तरह की बाइडेन की प्रेसिडेंसी थी और जिस तरह की एज को लेकर जो परेशानियां उनकी आ रही थी। लेकिन ये अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि किस लेवल का वो इंथुजियाज्म होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी कैंपेनिंग होगी या जो रिजल्ट आएंगे वो इस बात पर डिपेंडेंट होंगे कि बेसिस जो दोनों डेमोक्रेट्स के हैं या रिपब्लिकन्स के हैं वो कितने गैल्वनाइज होते हैं। रिपब्लिकन्स का हमने देखा, कन्वेंशन देखा ट्रंप के असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद, एक जो ऑलमोस्ट मेसियानिक अप्रोच ट्रंप साहब ने लिया है, और उसके बाद जो उनका एक एक्सेप्टेंस हुआ है रिपब्लिकन बेस में, वो एक तरह से सारी जो डेमोक्रेट रिपब्लिकन पार्टी वो लामबंद हो गई है उनके चारों तरफ। तो वो मुझे लगता है जो एक ऑर्गेनाइजेशनली थोड़े से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं,
और डेमोक्रेट्स अभी तक पीछे थे, अब कमला हैरिस का जब भी नॉमिनेशन फाइनल हो जाता है उसके बाद रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स को रीग्रुप करके किस तरह से वो न सिर्फ अपने बेस को रिवाइव कर पाए बल्कि वो भी देख पाए जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं वहां पर क्या वो सेंट्रिस्ट जो वोटर है उसको अपील कर पा रही हैं या नहीं। मुझे लगता है ये जो दो बिंदु होंगे बड़े महत्वपूर्ण होंगे कमला हैरिस की प्रेसिडेंसी जो कैंडिडेसी है उसको लेकर। मैं एक चीज अजय सिंह आपसे और पूछना चाहूंगा, ये कहा गया अमेरिकन प्रेस में और बार बार कई लोग पोस्ट भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपना नाम विड्रॉ करके अपने लिए एक चैलेंज खड़ा कर लिया है, ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो रेस में पिछड़ रहे थे, वो हार रहे थे डेमोक्रेट्स। क्या आपको लगता है कि ये जो नरेटिव है ये कमला हैरिस की या डेमोक्रेट्स के अगेंस्ट में जा सकता है? अब बिल्कुल नहीं, आप ये देखना है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने 3.5 साल जो है हिस्टोरिक काम किया है, सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट किए हैं, वर्ल्ड नेटो में लीडरशिप किया है और बहुत सारे काम किए हैं। हेल्थ जो एक इश्यू हो सकता है, उनकी एज हो गई है, उनका पर्सनल हेल्थ है और उनकी एक पर्सनल चॉइस है, वो बहुत देश के लिए कमिटेड है, देश के लिए सेल्फलेस सेक्रीफाइसेस करी है उनके 50 साल की टेन्योर में, एंड उन्होंने अपनी चॉइस करी है कि अब वो वन टाइम प्रेसिडेंसी करना चाहते हैं और नेक्स्ट कमला हैरिस को उन्होंने सपोर्ट किया है कि आगे का फ्यूचर कमला हैरिस है एंड ही सपोर्ट्स दैट। तो ये कोई चैलेंज नहीं है, जो डेमोक्रेट्स की मांग भी थी कि दे नीडेड ए यंग कैंडिडेट, उन्होंने वो पूरा फुलफिल किया है और कोई भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आज 68 के बाद में किसी ने भी अपनी सेक्रीफाइस नहीं किया जो प्रेसिडेंट बाइडेन। तो क्या अजय जी, कैन दिस बी अ कैंपेन थीम कि पहली बार लेडी प्रेसिडेंट चुनिए? ऑफ कोर्स दिस विल बी अ कैंपेन थीम फॉर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड, दिस विल बी अ कैंपेन थीम फॉर फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन फीमेल प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड, इंडियन अमेरिकन फीमेल प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड। सो देयर आर मेनी एंगल्स एंड जो प्रेसिडेंट कमला हैरिस के जो हस्बैंड है वो ज्यूइश ओरिजिन के हैं, वो भी एक बहुत सारे एंगल है जो विच विल बी कमिंग फॉरवर्ड। हर्षी, एक क्विक कमेंट मैं आपका चाहूंगा, सपोज इफ कमला हैरिस की प्रेसिडेंसी एक्सेप्ट हो जाती है तो एक इंडियन ओरिजिन की प्रेसिडेंट के लिए लड़ रही होंगी कमला जी, और दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट जो है ट्रंप के साथ उनकी धर्मपत्नी भी इंडियन ओरिजिन की है, तो ये इंडियंस का अमेरिका में जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? हर्ष, नहीं आई थिंक वो तो पिछले कुछ सालों से सुमित जी वो नजर आ रहा है कि किस तरह से इंडियन अमेरिकन जो है वो इंक्रीजिंगली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में, और उनका जो पॉलिटिकल प्रोफाइल है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर आप किसी भी लिहाज से देखें एजुकेशन वाइज इनकम वाइज इंडियन अमेरिकन का जो डोमिनेंस है अमेरिकन सोशल एंड पॉलिटिकल स्पेस में वो बहुत ज्यादा है इस समय, तो उसको लेकर ये जो हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट पोजिशंस पर इन्फ्लुएंशियल पोजिशंस पर इंडियन अमेरिकन आज बैठे हैं वो बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है, और इसका मुझे लगता है थोड़ा बहुत फायदा हिंदुस्तान को जरूर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें हमने ये नहीं देखा कि जो कमला हैरिस है उन्होंने थोड़ा सा अपनी इंडियन ओरिजिन को डाउनप्ले भी किया है तो अब वो कितना उसको उछालती हैं कितना उसको यूज करती हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि वो अपनी अफ्रीकन हेरिटेज को ज्यादा उभारती हुई नजर आई पहले जब वो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक होगा कि वो कैसे चलता है।